अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। केलों के छिलकों का ये फेस पैक ना सिर्फ आपकी स्किन को दूध जैसी गोरी रंगत देगा, बल्कि ये आपकी स्किन पे जितने भी डार्क स्पॉट्स हैं, जितने भी एक्नी स्पॉट्स हैं, उन सब को रिमूव कर देगा सिर्फ चंद ही रोज में। ये फेस पैक इतना मैजिकल है, इतने ज़्यादा इसके रिजल्ट्स हैं कि आपके फेस पे जितनी भी ये झुर्रियाँ आ चुकी हैं उन सब को रिमूव करेगा, आपकी स्किन पे जितनी भी फाइन लाइन्स आ चुकी हैं, साइंस ऑफ एजिंग है उनको रिमूव करेगा, पिगमेंटेशन को रिमूव करेगा, एक्नी है तो उसको भी रिमूव करके आपकी स्किन को क्रिस्टल क्लियर ग्लास स्किन बना देगा सिर्फ चंद ही रोज़ में। आपको इसके विजिबल रिजल्ट्स नज़र आएंगे अगर आप इस फेस पैक को अपनी स्किन केयर रूटीन में शामिल करते हैं। तो इस जादुई फेस पैक को किस तरह से बनाना है, किस तरह से अपनी स्किन पे अप्लाई करना है, तमाम तर चीज़ें इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, और अगर चैनल पे नहीं है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें बेल नोटिफिकेशन के साथ। तो सबसे पहला और मेन इंग्रेडिएंट हमें चाहिए बनाना पील, केले का छिलका। आपने 2 से 3 बनाना पील ले लेने हैं, केले के छिलके ले लेने हैं। ये हमारी स्किन को वाइटनिंग प्रोवाइड करने में, और इसके अलावा हमारी स्किन से रिंकल्स को रिमूव करने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। अब आपको अपने स्किन की झुर्रियों को रिमूव करने के लिए या साइंस ऑफ एजिंग को रिमूव करने के लिए बोटोक्स ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, जो कि बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। आप घर में ही ये फेस पैक बना के अपनी स्किन पे लगाना स्टार्ट करें। मैं आपको इसकी गारंटी देती हूँ कि दिनों में ही आपके स्किन से झुर्रियाँ बिल्कुल गायब हो जाएंगी, साइंस ऑफ एजिंग बिल्कुल गायब हो जाएंगी, फाइन लाइन जितनी भी हैं वो सब की सब रिमूव हो जाएंगी। तो सबसे पहले आपने बनाना पील को अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है, ताकि जितनी भी धूल मिट्टी इस पे चिपकी हुई है वो सब की सब साफ हो जाए। उसके बाद आपने इसको इस तरह से छोटे छोटे स्ट्रिप्स में काट लेना है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। ये बहुत अहम किरदार अदा करता है, ख़ास तौर पे आपके फेस से पिगमेंटेशन को रिमूव करने के लिए, डार्क स्पॉट्स को रिमूव करने के लिए। और इसके अलावा ये एंटी रिंकल फेस पैक है, जो कि आपकी स्किन से बुढ़ापे को बहुत ज़्यादा दूर भगा देगा। अब आपने इसको अच्छे तरीके से कट कर लिया है, तो आपने अब क्या करना है, तकरीबन 2 चम्मच लेने हैं चावल के। किसी भी किस्म के चावल आपके घर में मौजूद है आप वो यूज़ कर सकते हैं। आपने उनको अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है, ताकि जितनी भी धूल मिट्टी वगैरह है चावलों में वो सब अच्छे तरीके से साफ़ हो जाए। 2 से 3 दफ़ा पानी से निकाल लें और अच्छे तरीके से इसको साफ़ कर लें। तो उसके बाद आपने लेना है एक पैन, उस पैन में आपने जितने भी बनाना पील आपने काटे हुए थे उनको ऐड करना है, और जो चावल 2 चम्मच आपने धो के रखे थे उसको भी इसी में आपने ऐड कर देना है। इन दोनों का मिक्सचर जब आपके फेस पे लगेगा तो ये आपकी स्किन को ऐसा ग्लो प्रोवाइड करेगा जो कि आपको महंगी क्रीम से हरगिज़ नहीं मिलता, क्योंकि इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है और इसके हज़ारों बेनिफिट्स हैं जो कि आपकी स्किन पे लग के तो आपकी स्किन को यूथफुल बनाएंगे। अब आपने 1 कप पानी इसमें डालना है और इसको आपने चढ़ा देना है चूल्हे पर। जब आप देखें कि इसमें बॉयल आने लगे और ये इसके छिलके जो हैं बहुत ज़्यादा नरम होने लगे, तो आपने इसका जो पानी है अच्छे तरीके से खुश कर लेना है। जब आप देखें कि पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है, तो इसको आपने चूल्हे से उतार लेना है और इसको ठंडा होने के लिए रख दें। बहुत ही अमेजिंग बोटॉक्स फेस पैक बनके तैयार होने वाला है आपकी स्किन के लिए। इसको डेली अपनी स्किन पे अप्लाई करें, आपको विजिबल रिजल्ट्स नज़र आएंगे सिर्फ 2-3 दिन के इस्तेमाल से ही। उसके बाद आपने इस तमाम मिक्सचर को आपने ब्लेंडर में डाल देना है, जितना भी है आप सारा का सारा ब्लेंडर में डालें, और पानी भी जो बच चुका था वो भी इसमें ऐड करें। उसके बाद आपने तकरीबन 3 से 4 चम्मच एलोवेरा जेल के इसमें ऐड करने हैं, और इसका फाइन सा स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है। बिल्कुल कोई भी इसमें लम्स वगैरह ना रहे, अच्छे तरीके से आपने क्रीमी सा इसका पेस्ट तैयार कर लेना है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। ये अमेजिंग सा बोटॉक्स फेस पैक है, जो कि आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ग्लो प्रोवाइड करेगा, और इसके अलावा आपकी स्किन को इंस्टेंट वाइटनिंग प्रोवाइड करेगा। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ बहुत ज़्यादा मैजिकल चीज़, जो कि आपकी स्किन को वाइटनिंग और ब्राइटनिंग प्रोवाइड करती है और आपकी स्किन को इवन टोन बनाती है। तो आपने इसमें ऐड करने हैं 2 चम्मच भर के कॉर्नफ्लावर के, जिसको हम मकई का आटा बोलते हैं। अगर आप इसको गूगल करेंगे तो इसके इतने बेनिफिट्स खुल के आपके सामने आ जाएंगे, जो कि आपके फेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब लास्ट पर आपने ऐड करना है 1 इवियन का कैप्सूल, वाइटामिन ई का कैप्सूल आप इसको कह सकते हैं। अगर आपके पास वाइटामिन ई ऑयल है तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं।
सकते हैं। ये चीज़ें ऐड करके आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। जब आप इसको मिक्स करेंगे तो ये बिल्कुल क्रीमी से टेक्सचर में आ जाएगा, क्रीमी से फॉर्म में बन के आपके सामने आ जाएगा। अब ये जो मैंने तैयार किया है मिक्सचर सिर्फ एक दिन के लिए नहीं है, आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं, 6 से 7 दिन आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। इसकी जो शेल्फ़ लाइफ है जो फ्रिज के अंदर है वो तकरीबन 6 से 7 दिन है। अगर आप डेली फ्रेश बनाना चाहें तो आप वो भी बना सकते हैं, कोई भी आपको इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा अगर आप 6 से 7 दिन भी इसको फ्रिज में रखेंगे तो। यहाँ पे अब ये पैक बिल्कुल बन के तैयार हो चुका है और रेडी है कि मैं इसको अपने फेस पे लगाऊं, तो इसके विजिबल रिजल्ट्स और इंस्टेंट रिजल्ट्स आपको शो करवाऊंगी अपने फेस पे कि सिर्फ एक बार के इस्तेमाल से इसने मुझे 100% रिजल्ट्स दिए हैं। आपने अपने फेस पे इसको अच्छे तरीके से अप्लाई कर लेना है। अगर आप अपने फेस पे सबसे पहले क्लिंजिंग कर लेंगे किसी भी चीज़ की, दूध की या फिर बेसन की, तो वो सबसे ज़्यादा बेस्ट होगी। उसके बाद अपने फेस पे इसको अप्लाई करना स्टार्ट करें, ऑल ओवर द फेस अपने इसको अप्लाई करें, जहाँ जहाँ पे आपके जो फेस के एरियाज ज़्यादातर मुतासिर हैं पिगमेंटेशन से या फिर सन टैनिंग से, भर भर के आपने वहाँ पे अच्छे तरीके से अप्लाई करना है इस फेस पैक को। ये फेस पैक ख़ास तौर पे हिट करेगा आपके जो आईज़ के पास जो झुर्रियाँ और फाइन लाइंस बनना स्टार्ट हो जाते हैं, या फिर लाफ लाइन के करीब आपके बिल्कुल झुर्रियाँ पड़ना स्टार्ट हो जाती हैं। जहाँ भी आपके फेस पे फाइन लाइंस या फिर साइंस ऑफ एजिंग आना स्टार्ट हो जाते हैं ना, उनको ये बहुत ज़्यादा हिट करता है। अब यहाँ पे मैंने इसको अप्लाई कर लिया है ऑल ओवर द फेस। आपने 10 से 15 मिनट ऐसे ही छोड़ना है और आपने इसको बिल्कुल ड्राई नहीं करना। जब 10 मिनट आप देख लें कि हो चुके हैं, उसके बाद आपने इसकी जेंटली मसाजिंग स्टार्ट कर देनी है अपने फेस पे। अच्छे तरीके से अपने फेस पे मसाजिंग करें, बहुत ज़्यादा आपने सख्त हाथ अपने फेस पे नहीं लगाने, जेंटली मसाजिंग करनी है अपने फेस पे, जिससे कि आपकी स्किन को इंस्टेंट रिजल्ट्स मिले। बल्कि मसाजिंग के स्टेप से जो भी चीज़ आप अपने फेस पे अप्लाई करते हैं ना, जब आप मसाजिंग का स्टेप करते हैं तो उसके रिजल्ट्स आपको डबल मिलते हैं। अभी यहाँ पर मैंने बिल्कुल थोड़ी सी मसाजिंग की और मेरे फेस पर आप ग्लो चेक कर सकते हैं कि इसका इंस्टेंट ग्लो आना स्टार्ट हो चुका है सिर्फ 1 यूज़ में। अच्छे तरीके से अपने पूरे फेस पे इसकी मसाजिंग करें, ये मैजिकल सा फेस पैक आपको इंस्टेंट रिजल्ट्स देगा, विजिबल रिजल्ट्स देगा, जिसको देख के आपके लिए यकीन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपने इसको मेरे कहने पे 7 दिन तो लाजमी ट्राई करना है अगर आपके फेस पे डार्क स्पॉट्स हैं, पिगमेंटेशन है, एक्नी स्पॉट्स हैं या फिर एक्नी है। तो यहाँ पर मैं अपने फेस को वॉश कर चुकी हूँ और इसके इंस्टेंट रिजल्ट्स आपके सामने हैं। इंस्टेंटली मेरी स्किन वाइट हो चुकी है, ब्राइट हो चुकी है और इंस्टेंट ग्लो भी आप चेक कर सकते हैं। बिल्कुल बेबी स्किन हो चुकी है मेरी सिर्फ 1 यूज़ में। तो इसको आपने लाजमी घर में ट्राई करना है। इसको ट्राई करने के बाद आप मजबूर हो जाएंगे कि आप मुझे कमेंट में अच्छा सा फीडबैक देंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगे तो चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। फिर आऊँगी अच्छी सी वीडियो के साथ। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।